हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, तो एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं कि वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सपोज एक वेक्टर ई है, ए, और दूसरा वेक्टर है बी, और हम लोगों को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, तो वही फिर कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन का हो जाएगा कि अगर हमें निकालना है ए माइनस बी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ए में बी को सब्सट्रैक्ट करना है तो कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए में बी को रिवर्स करके ऐड कर दे, जो माइनस बी लिखा हुआ है वो बी का रिवर्स लिखा हुआ है। तो अगर हमें ए में बी सब्सट्रैक्ट करना है तो कुल मिलाकर कैसा लग रहा है कि ए में माइनस बी को ऐड कर दो, और अगर बी वेक्टर पता है तो माइनस बी निकालने के लिए सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो इस डायरेक्शन का वेक्टर बी है तो उसके जो पीछे की डायरेक्शन का वेक्टर होगा वो माइनस बी आएगा, और हमें ए में माइनस बी ऐड करना। तो पहले हम लोग ए वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वेक्टर ए था और इसमें माइनस बी वेक्टर ऐड कर देते हैं, तो ये वेक्टर था माइनस बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया ये आ गया, एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर एंड दैट इज ए माइनस बी। अगर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करते तो बी की डायरेक्शन ये थी, इस डायरेक्शन में बी था और ए की डायरेक्शन ये थी, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन जो माइनस बी की डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो माइनस बी की है। तो ए की डायरेक्शन और बी माइनस बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल वो आएगा 180 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग ए माइनस बी का रिजल्टेंट निकालते, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालते, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके थे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी इंटू कॉस। लेकिन इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था वो थीटा नहीं था, वो 180 माइनस थीटा, तो दिस इज कॉस 180 माइनस थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो दिस विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा ए और बी के बीच का एंगल था। तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा। तो अगर दो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का एंगल थीटा है और हमें निकालना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कुल मिलाकर के सब्सट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, जो कॉन्सेप्ट एडिशन के हैं वही कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन के भी। अगर ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ए माइनस बी है और मैं रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल फाइंड करता तो वो एंगल लिखता टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल दैट इज 180 माइनस थीटा, तो दिस इज 180 माइनस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
एंड ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बनाएगा वो टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अब हम लोग ने सीख लिया कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते और उन वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते। तो वेक्टर में फिर एक चीज और भी है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी और ऑपरेशन सिंबल डॉट इस्तेमाल करते हैं इसलिए डॉट बोलते हैं। तो जैसे कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो हम लोग जो ए और बी का डॉट डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो जो ए बी कॉस थीटा है ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चूंकि आउटकम जो आ रहा है ए डॉट बी का वो एक स्केलर क्वांटिटी और इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा है, एक नंबर है बी एक नंबर है और नंबर का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर दो वेक्टर्स ऐसे होते उनके बीच का एंगल थीटा है और वो जीरो से बड़ा है 90 से छोटा, तो कॉस थीटा जो आता कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव आता तो इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता वो डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता। अगर दो वेक्टर्स ऐसे होते तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू जीरो आएगी। तो ऐसे वेक्टर्स के लिए बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो जीरो आएगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती और 180 से छोटी होती, तो अगर थीटा 180 और 90 के बीच में तो जो कॉस थीटा आएगा वो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा और कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नेगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू जीरो होती, एक वेक्टर ए था दूसरा वेक्टर बी था, तो इस केस में जो थीटा आ रहा है वो जीरो आ रहा है और अगर थीटा की वैल्यू जीरो आ रही तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी के इक्वल है और इस केस में जो वैल्यू मिल रही होगी वो तो मैक्सिमम मिलेगी। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट होते, एक वेक्टर ए इधर था दूसरा वेक्टर बी इधर था, तो इन दोनों के बीच का एंगल वो 180 और कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है। इसका मतलब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आएगी वो माइनस ए बी के इक्वल आएगी। इसका मतलब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब थीटा 180 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू जीरो। तो ये वाला जो केस था वो मिनिमम का केस था और ये जो केस है वो मैक्सिमम का। तो यहां से हम लोग फिर सिंपली बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू
माइनस ई बी के इक्वल या उससे बड़ी और प्लस ई बी के इक्वल या उससे छोटी हो सकती। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस ए बी और माइनस ए बी के बीच में लाई करेगी। तो अब देखते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में तीन एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम की तीनों एक्सेस हम लोगों को पता है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब x परपेंडिकुलर टू y, x इज परपेंडिकुलर टू y, y इज परपेंडिकुलर टू z एंड x इज परपेंडिकुलर टू z। तो अब जरूरी इनका ओरिएंटेशन क्या है, तो अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस निकालते हैं कैसे कि x को रोटेट करा के y पर ले जाते हैं। तो x को रोटेट करा के जब y पर पहुंचाएंगे तो देखेंगे कि स्क्रू किस सेंस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और स्क्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा तो इधर की तरफ चलेगा, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू चलेगा वो डायरेक्शन z एक्सिस है, तो z एक्सिस कुछ बाहर की तरफ आ रही होगी, उसको ऐसे बना देते हैं z एक्सिस। तो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लस जी कैप, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो प्लस की कैप है। निगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होगा, निगेटिव वाई का कितना होगा माइनस जे, और नेगेटिव जेड का क्या होगा माइनस के। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम में कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग एक्स चलते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई चलते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड चलते हैं। तो ये पॉइंट पी था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, x एक्सिस के लॉन्ग x, y x, z एक्सिस के लॉन्ग z, और y एक्सिस के लॉन्ग y चला, तो इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y कॉमा z। तो अगर इसको ओरिजिन से मिला दिया जाए, इस ओरिजिन से, तो ये वेक्टर सपोज r वेक्टर है, ये o पॉइंट, ये a पॉइंट, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट p था। तो जो हम लोगों का ओ ए वैक्टर आएगा, ओ ए वैक्टर, इसकी लेंथ एक्स है, इसकी डायरेक्शन का यूनिट वैक्टर वो आई कैप है। अगर हम लोग डिफाइन करें ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर जेड एक्सिस के अलोंग था, तो ए बी वैक्टर की जो लेंथ है वो जेड है, और उस डायरेक्शन का यूनिट वैक्टर के कैप, और जो बीपी वेक्टर, एक ये ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर था, एक ए बी वेक्टर था, और ये एक बीपी वेक्टर है, तो जो बीपी वेक्टर आएगा वो जेड के इक्वल आएगा, सॉरी वाई जे के इक्वल, ओ ए वेक्टर इज एक्स आई एंड ए बी वेक्टर इज जेड के, और जो बीपी वेक्टर आएगा उस वेक्टर की वैल्यू वाई जे के इक्वल, ए बी एक्स आई, सॉरी ओ ए एक्स आई, ए बी जेड के, और जो बी पी है वो वाई जे के इक्वल है। तो जे यू जो हम लोगों ने आर वेक्टर लिखा हुआ है, ये आर वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और प्लस बी पी वेक्टर, आर वेक्टर ओ ए ए बी और बी पी का रिजल्टेंट, इनकी वैल्यूज पुट कर देते, तो r वेक्टर आ गया x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। जो हम लोगों ने वेक्टर r डिफाइन किया था वो वेक्टर r op वेक्टर था, एंड op वेक्टर का मतलब है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी,
विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ से अगर पी की पोजीशन मेजर करेंगे तो यू पी वेक्टर आएगा। तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक काम करते हैं कि इस ओपी वेक्टर की लेंथ निकालते हैं और इसके एंगल डिफाइन करते हैं। तो पहले तो एक ट्राइंगल चेक करते हैं ओ ए बी। तो ओ ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग था और ए बी जेड एक्सिस के लॉन्ग था। मतलब जो ओ ए है और ए बी है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ओ ए और ए बी, ओ ए की जो वैल्यू थी वो एक्स थी और ए बी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी की वैल्यू जेड के इक्वल आएगी। ओ ए एक्स था और ए बी की वैल्यू जेड है। तो जो ओ बी लेंथ आ रही होगी इसकी वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक ट्राइंगल और बनाते हैं ओ बी पी। तो जो ओ बी लाइन थी वो एक्स जेड प्लेन में थी और जो बी पी लाइन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ओ बी और बी पी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये ओ बी था और जो बी पी है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ओ बी की हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओ बी की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बी पी ऑलरेडी वाई के इक्वल था। तो यहां से जो ओ पी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो जो वेक्टर हम लोगों ने आर वेक्टर लिखा था ओ पी वेक्टर, उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू आ गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो उस वेक्टर की लेंथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। अब एक काम करते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि जो वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो पहले सारे ओरिएंटेशन को सही से समझते हैं। एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, हमने इस वाली एक्सिस को माना था वाई एक्सिस और जो इधर एक्सिस जा रही थी ये वाली ये जेड एक्सिस है। तो जब हम लोगों ने पॉइंट पी बनाया तो एक्स एक्सिस पर एक्स चले, जेड एक्सिस पर जेड चले और वाई एक्सिस पर वाई चले, तो इस पॉइंट पर पहुंचे। तो जो ओपी वेक्टर बना वो ये वेक्टर बना और ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस इधर थी। तो ओपी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट करते। तो ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा वाला एंगल आ गया। तो इस रिजल्टेंट ओपी ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो अल्फा बनाया। तो ओपी वेक्टर के पी पॉइंट से ये एक्स एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ओपी के पी पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल, और ओपी ने इसके साथ एंगल बनाया अल्फा। तो कह सकते हो कि जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो ऐसे बनेगा। ये थी एक्स एक्सिस और ये हम लोगों का वेक्टर था ओपी और पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली लेंथ एक्स के इक्वल आएगी। तो इस अल्फा इसको मैंने अल्फा मान लिया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी और ओपी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाने वाले बहुत से वेक्टर हो सकते हैं। इधर जो एक्सिस जा रही थी वो एक्स एक्सिस थी, तो अल्फा ये भी बना सकता है और ये जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे अल्फा बनाएंगे। इसका मतलब इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है।
तो हमें फिर इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बताना होगा। तो जब वाई एक्सिस के साथ एंगल बताएंगे तो इससे वाई एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर। तो ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस और इधर थी जेड एक्सिस और ये हमारा ओपी वेक्टर था। तो ओपी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बीटा था। तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगा और ये वाली जो लेंथ होगी वो वाई होगी, ये एंगल बीटा होगा और ये वाली लेंथ आर के इक्वल आएगी। तो जो ट्रायंगल बनेगा वैसा बनेगा, ये वाई एक्सिस थी और ये ओपी था और पी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला और ये वाला एंगल ओपी वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बनाया, ये लेंथ वाई के इक्वल आएगी, ये आर के इक्वल थी। तो यहां से लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू वाई है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आर के इक्वल है। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर हमारा जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा है, तो अगर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा तो कॉस गामा की वैल्यू जेड अपॉन आर के इक्वल होगी। तो कार्टेशियन सिस्टम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और उसकी डायरेक्शन हो गई। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होता, जैसे आई कैप, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसमें पहला वेक्टर आई कैप है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है। दूसरा वेक्टर आई कैप है, उसका उसकी भी लेंथ वन है, यूनिट वेक्टर है, दोनों पैरेलल थे तो इनके बीच का एंगल जीरो हो गया और कॉस जीरो की वैल्यू वन, इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू वन आ गया। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो जे कैप डॉट जे कैप आएगा वो भी वन आएगा और जो के कैप डॉट के कैप की वैल्यू आएगी वो भी वन के इक्वल आएगी। कार्टेशियन सिस्टम का जो आई कैप वेक्टर था उसका सेल्फ डॉट वन, जे कैप था उसका सेल्फ डॉट वन, के कैप था उसका भी सेल्फ डॉट वन। अगर हम लोग म्यूचुअल काम करते कि आई कैप डॉट जे कैप, तो आई और जे चूंकि परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट आई दोनों इक्वल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है और जो जे जे डॉट के था ये भी आपस में परपेंडिकुलर है और जो के डॉट आई था वो भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो कार्टेशियन सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स का जो म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जैसे हम लोगों को निकालना था कि हमारे पास वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना था। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल फाइंड करना था तो जो हम लोगों का वेक्टर था वो वेक्टर आर था और आर वेक्टर की वैल्यू थी एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के और ये सपोज एक्स एक्सिस थी। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर था वाई कैप था। तो एक्स डायरेक्शन के साथ वेक्टर ने जो एंगल बनाया वो अल्फा था। तो हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आर वेक्टर डॉट आई कैप वेक्टर, ए डॉट बी की डेफिनेशन यूज करते। तो ए डॉट बी था ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, पहला वेक्टर आर कैप आर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आर है, दूसरा वेक्टर आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है और इनके बीच का एंगल अल्फा के इक्वल था। तो इसको लिख सकते हैं आर इंटू वन एंड इंटू कॉस अल्फा। आर की वैल्यू थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। आई डॉट आई करेंगे तो वन आएगा, जे डॉट आई जीरो और के डॉट आई जीरो, तो लेफ्ट साइड में बचेगा एक्स इंटू वन इंटू इस आई डॉट आई करेंगे तो वन होगा तो ये बचेगा एक्स और राइट साइड पर था आर कॉस अल्फा। तो यहां से फिर कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई एंड दैट इज
एक्स अपॉन आर, और ये वैल्यू हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके, ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लिया था। तो अगर हमें आर वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस के साथ निकालना होता तो ये सपोज वाई एक्सिस थी और ये हमारा आर वेक्टर था। वाई एक्सिस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो जे कैप आएगा, और आर वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था उस एंगल की वैल्यू बीटा के इक्वल है। तो आर वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो जे कैप, इन दोनों का डॉट कर देते। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा, तो यहां पर कॉस बीटा लिख देते। आई डॉट जे जीरो, जे डॉट जे वन और के डॉट जे जीरो, तो लेफ्ट में आएगा वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। तो यहां से कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो उसी तरीके से हम लोग फिर वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल मानते गामा, तो वहां से फिर कॉस गामा की वैल्यू आती जेड अपॉन आर। तो डॉट प्रोडक्ट से, अगर कार्टेशियन सिस्टम में डॉट प्रोडक्ट है तो उससे हम दो वेक्टर के बीच के एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों का हो गया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में तीन एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब हमें जेड एक्सेस की डायरेक्शन निकालनी होती, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उनकी एक्सेस का ओरिएंटेशन कैसे करें। तो अगर जेड एक्सेस की डायरेक्शन निकालनी तो एक्स एक्सेस को रोटेट कराओ, वाई पर पहुंचाओ, स्क्रू घुमाओ और फिर ये पता करो कि स्क्रू चल किधर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू चलेगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने यहां पर इसको एक्स एक्सिस माना था, ऊपर माना था वाई एक्सिस, तो अगर एक्स को रोटेट करा के वाई पर पहुंचाएंगे तो ऐसे रोटेट होगा, और इस तरीके से स्क्रू अगर चलेगा मूव कर रोटेट करेगा तो स्क्रू तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू चलेगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वैक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का जे कैप और जेड डायरेक्शन का जो आएगा वो के कैप के इक्वल आएगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर दो वेक्टर होते कार्टेशियन सिस्टम में, एक वेक्टर है ई और वो वेक्टर है ई वन आई प्लस ई टू जे प्लस ई थ्री के, और एक दूसरा वेक्टर होता सपोज बी वेक्टर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और हमें इन दोनों का निकालना होता है डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिख लेते ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर लिख लेते हैं तो बी वेक्टर था बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। बी वन आई कैप बी टू जे कैप और प्लस बी थ्री के कैप, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ब्रैकेट में तीन टर्म्स दिख रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी तीन दिख रहे हैं। तो जब दूसरे ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीन टर्म्स आएंगे, इसके लिए भी तीन आएंगे, इसके लिए भी तीन, तो टोटल जो एक्सप्रेसर में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो नाइन होंगे। उनमें से एक आएगा ई वन बी वन आई डॉट आई, आई डॉट आई हो जाएगा वन। तो एक टर्म आ गया ए वन बी वन आई डॉट आई वन हो गया। एक टर्म आएगा ई टू बी टू जे डॉट जे, और जे डॉट जे चूंकि वन है तो दूसरा टर्म आएगा ए टू बी टू। एक टर्म आएगा ई थ्री बी थ्री के डॉट के, तो वो टर्म हो जाएगा ए थ्री बी थ्री। इसके अलावा के बाकी जो छह टर्म्स हैं उनको नोटिस करते,
आई डॉट आई हम लोग लिख चुके, तो एक आएगा जे डॉट आई, एक आएगा के डॉट आई, दोनों जीरो, एक आएगा आई डॉट जे जीरो, जे डॉट जे लिख चुके और के डॉट जे जीरो आएगा, एक आएगा आई डॉट के जीरो, जे डॉट के जीरो और के डॉट के हम लोग पहले से लिख चुके हैं। इट मीन्स इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आ गया वो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री आ गया। डॉट प्रोडक्ट की हमें डेफिनेशन पता थी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था। तो ए वेक्टर अगर पता है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, अभी भी कैलकुलेट किया था, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर। ए डॉट बी पता है, ए बी पता है, बी भी पता है, तो ये तो निकल आएगा ना थीटा। तो अगर कभी थीटा निकालना हो कार्टेशियन सिस्टम में तो डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो यहां से जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी। तो ये फिर हमारे लिए एक यूजफुल फॉर्मूला है कि कभी अगर कार्टेशियन सिस्टम में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो कार्टेशियन सिस्टम के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आएगा जब हम लोग वर्क निकालेंगे, तो जब वर्क लिखेंगे डिफरेंशियल वर्क डी डब्ल्यू, तो वो आएगा एफ वैक्टर डॉट टी आर वैक्टर। तो यहां डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। और जो ये डी आर अपॉन डी टी लिखा हुआ है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आ गई एफ वैक्टर डॉट बी वैक्टर। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर आएगा। तो मैकेनिक्स में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो यही यूज होगा कि किसी फोर्स का अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो एफ वेक्टर डॉट डी आर। जैसे हम लोग वर्क डिफाइन करते हैं, तो कोई पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है और पार्टिकल किसी मोमेंट पर ए पर था और फिर वो पहुंचा बी पर, तो इसका जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आ गया उसको हम लोग लिख देते हैं डी आर वैक्टर। और इस समय जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स की वैल्यू एफ वैक्टर है। तो जब पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट डी आर था तो उस समय जो फोर्स ने वर्क किया होगा वो वर्क ऐसे डिफाइन किया गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। चूंकि इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट इस इंटरवल का जो फोर्स रहा होगा वो कांस्टेंट रहा होगा। तो अगर कभी टोटल वर्क कैलकुलेट करना तो टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो टोटल वर्क के लिए आ गया इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर मैं एक चीज अज्यूम कर लेता, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, तो अगर पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती तो टोटल वर्क इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर
तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क की वैल्यू आ गई एफ वेक्टर डॉट इंटीग्रल डीआर। ये इंटीग्रल डीआर क्या था, ये जो इंटीग्रल डीआर लिखा हुआ है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जहां पर डी वेक्टर इस मोशन का टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो कभी अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो सीधे लिख देंगे एफ डॉट डी, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो जैसे पार्टिकल ने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, रेफरेंस पॉइंट मैं यहां पर मान लेता, तो इनिशियल पोजीशन आर आई वैक्टर और फाइनल पोजिशन आर एफ वैक्टर, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा डी वैक्टर, उस डी वेक्टर की वैल्यू डी वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल और माइनस आर इनिशियल। तो फोर्स अगर वेरिएबल है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, जैसे स्प्रिंग का फोर्स वेरी करता है तो उसमें ये इस्तेमाल करेंगे, और फोर्स का भी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली लिख देंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एक हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। एक कार्टेशियन सिस्टम था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पॉइंट यहां पर था और दूसरा पॉइंट सपोज यहां पर है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 2 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3, 5, 7, और एक पार्टिकल ए से बी ऐसे पहुंचता इस तरीके से, लेकिन पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कांस्टेंट रहता है, और उस फोर्स की वैल्यू 3i प्लस 2j और प्लस 3k, और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और ये जो नंबर्स लिखे हैं ये सारे मीटर्स में लिखे हैं। तो जो पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम लोग फिर इस फॉर्मूले का तो इस्तेमाल कर सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट था बी, उसका पोजीशन वेक्टर था 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। इनिशियल पॉइंट था 1, 1, 2, तो उसका पोजीशन वेक्टर था i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 2i और प्लस 4j और माइनस प्लस 5k। तो ये तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स पता था। तो जो वर्क की वैल्यू आएगी, वर्क इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर था 3i प्लस 2j और प्लस 3k, और डिस्प्लेसमेंट था 2i प्लस 4j और प्लस 5k। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी सारे जीरो। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15, तो ये आ जाएगा 29। इसका मतलब इस प्रोसेस में पार्टिकल पर इस फोर्स ने जो भी वर्क किया होगा वो तो 29 न्यूटन है। मान लेते हैं एक और केस होता कि एक कार्टेशियन सिस्टम था, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, पार्टिकल ए पर था और फिर वो पार्टिकल बी पर पहुंचता, ऐसे पहुंचता इस तरीके से। ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 7, 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते, तो बी के कोऑर्डिनेट सपोज 9, 7 और 1। अब की बार पार्टिकल पर एक फोर्स नहीं लगे, कई सारे फोर्स लगे। मान लेता हूं कि 3 फोर्स लगे, एक फोर्स लगा एफ वन, दूसरा फोर्स लगा एफ टू और तीसरा फोर्स सपोज लगा
F3, इन F1, F2, F3 की वैल्यूज भी कुछ ले लेते हैं। F1 वेक्टर की वैल्यू सपोज आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप, F2 वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप और माइनस के कैप, और फोर्स की जो SI यूनिट्स हैं उनको न्यूटन मान लेते हैं। जो इन पार्टिकल पर, इस पार्टिकल पर तीसरा फोर्स लगा है उसकी वैल्यू 3i प्लस j और प्लस के न्यूटन। ये तीनों फोर्सेस कांस्टेंट हैं, तो अगर ये तीनों फोर्सेस कांस्टेंट हैं तो इन तीनों का अलग अलग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और बी पर पहुंचा, तो जब हम पहले फोर्स का वर्क निकालेंगे तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी डी की। तो पहले फोर्स का जो वर्क आएगा W1, वो आएगा F1 वेक्टर डॉट डी वेक्टर। दूसरे फोर्स का जो वर्क आएगा W2, वो आएगा F2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और तीसरे फोर्स का जो वर्क आएगा वो आएगा F3 वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एक पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी में, तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों फोर्सेस कांस्टेंट हैं, तो F1 ने भी वर्क किया होगा, F2 ने भी किया होगा और F3 ने भी किया होगा। ये F1 था, ये F2 था, ये F3 फोर्स था। तो अगर हमें पार्टिकल पर टोटल वर्क निकालना है तो तीनों का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करो, उसका सम कर दो। तो टोटल वर्क का मतलब था W1 प्लस W2 और प्लस W3। तो जब तीनों को ऐड कर देंगे तो F1 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो उससे ये फिर कॉमन आ जाएगा डी वेक्टर, तो बचेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड डॉट डी वेक्टर। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल पर एक्ट करने वाला टोटल फोर्स है। तो कभी एक पार्टिकल पर अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे हो तो हम तो या तो अलग अलग सारे फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट कर लें, या सारे फोर्सेस का टोटल सम निकाल लो और उस फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर लो। तो ये तो एक छोटी सी एप्लीकेशन हो गई डॉट प्रोडक्ट की। और मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फोर्स का वर्क कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन सिस्टम में गिवन है तो बहुत सिंपली हम लोग उन फोर्सेज का वर्क निकाल सकते हैं।